क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया इसका और बता भी नहीं रहा है। एक्सीडेंट? ओह रब्बा, कितनी बार बोला है कि अपना ध्यान रखा कर, लापरवाही करता है। देखो हो गया ना एक्सीडेंट, दिखा। अरे बाप रे, वो बहुत दर्द हो रहा है, क्यों हाथ लगा रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ना राजदीप को फोन करती हूँ, उसे कहती हूँ डॉक्टर को लेकर आए। राजवी, पहले भी फोन किया था तुमने, क्या नहीं, ये मोहित का एक्सीडेंट हो गया है, उसको जरा लग गई है, तू डॉक्टर को लेकर आ सकता है क्या? ये रुक क्यों गया? किसका फोन है? कौन है जो इसे मेरे जाल में फंसने से पहले ही बचा रहा है? ये किसके चिल्लाने की आवाज है? मोहित है क्या? राजवी रुको मत, जल्दी अब मेरी बात मोहित से करवाइए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट तू ही बात कर। हाँ दो। हाँ राजवीर। मोहित तो ठीक है ना? नहीं मैं वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। पर प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है यार राजवीर, तू जल्दी आ जा। अच्छा मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ घर। ओके हाँ तुम जल्दी आ जा प्लीज, मुझे घर जाना पड़ेगा। छोटा सा काम है, फटाफट हो जाएगा, पहले चल के फिनिश कर लेते हैं। चलो क्या कह रहा है? वो आ रहा है। अच्छा घर आ रहा है, चलो ठीक है। चलो दिखा दो उसे, क्या लगी है? बहुत दर्द हो रहा है। क्या देख के क्या करोगे, लगा हुआ है, रहने दो। इस पे हल्दी का लेप लगा देंगे? नहीं, क्या? हाँ, थोड़ी गर्म करके, एकदम तेज गर्म करके मार रहा था, लेकिन उसे चोट कहाँ लगी ना वो उसने नहीं देखा। मतलब मैं यही नहीं समझ पाई कि किस तरह की चोट लगी है, उस पे किस तरह का इलाज होगा, दिखाई नहीं रहा था, शर्मा रहा था। वो क्या है कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना बताऊँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। प्रीता जी ना काम से लूथरा हाउस जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है यार राजवीर, तू जल्दी आ जा। कैसे दिखेगा माँ, चोट तो लगी नहीं थी, वो तो एक्टिंग कर रहा था सो दैट आप लूथरा मेंशन ना जाओ। माँ वैसे भी वो चोट ना अंदरूनी चोट होगी, वो नजर नहीं आ रही होगी, और वैसे भी आप उसकी चोट का ट्रीटमेंट शायद आपसे नहीं हो पाया। तो मुझसे क्यों नहीं हो पाता? तो यही बोला था ना उसने कि गिर गया था तो चोट लगी है, ऐसे तो मुझे पता ही है ना उस पे क्या ट्रीटमेंट करना है, मैं भी डॉक्टर, भूल तो नहीं गया है तू? सॉरी। अरे ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का? ओ हेलो रईस दादे, तुमसे बात कर रही हूँ, बैठे हो, सुनाई नहीं देता। सर ये सही बोल रहे, गलती बाइक वाले की नहीं गाड़ी वाले की थी। तू ये अवार्ड डिजर्व करता ही नहीं है। शर्म आ रही होगी ना तुझे, यहाँ पर खड़ा खुद को देख लाचार, तेरा एक फैन भी तेरे साथ नहीं है। जो लोग तुझे अवार्ड लेता हुआ देखना चाहते थे वो तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, तुझसे सवाल पूछेंगे और तेरे पास जवाब होगा ही नहीं। यू अल्कि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात ऐड करना रह गई। तुम्हें अपने आप को जो समझना है तुम समझो, लेकिन तुम हो कुछ नहीं, बस मैं सलूथरा के बिगड़े हुए बेटे। शौर्य बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। इस कंपनी के ओनर यानी तुम्हारे डैड ने, करण लूथरा ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया है। आई बिलीव कि हमें बेस्ट रोमांटिक सिंगर को अपॉइंट करेंगे जो शौर्य की कंपनी को आगे जाकर पिच करेगा, तो उनकी गाइडेंस से, उनकी ब्लेसिंग से हम मार्केट की बेस्ट कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, आई लव्ड इट। Oh my God. मेरा स्टाफ भी ना किसी काम का नहीं, इन सबको फायर करना पड़ेगा। यहाँ पे खिड़की खुली छोड़ के चले गए, उन्हें पता है कि बाहर आंधी तूफान बिजली कड़क रही है, और उसके बाद भी सो इरिस्पॉन्सिबल।
पूरे स्टाफ को पता है कि मेरा कैबिन है और मुझे सब चीजें स्पीक एंड स्पैन चाहिए होती हैं, प्रीम एंड प्रॉपर चाहिए। क्या नहीं? Everybody is so irresponsible. Solve this mess. सारा काम खुद ही करो। क्या कर रहे हैं आप? मैं करता हूं। नहीं नहीं मत करो, मैं कर लूंगा, कैबिन मेरा है ये। पता है आप कर लेंगे लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। अरे हो जाएगा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन? खून बह रहा है। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी अपने आप। कैसे मामूली सी चोट है, संभाल के करना चाहिए था ना। संभाल कर ये आपकी फाइल, कल जो आपको फाइल दी थी वो गलत फाइल थी, गलती से मैंने आपको कोई गलत फाइल दे दी थी, ये सही फाइल है। थैंक यू। क्या कर रहे हो ये? राजीव मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो ये? हाथ लगे अपना। अरे नहीं मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, मैं खुद कर लूंगा ये। तुम हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते, जब घर पे आग लगी थी तब भी आ गए थे मेरी जान बचाने, और आज भी। थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सही कहा आपने, मैं बहुत स्वीट हूं, सिर्फ तब जब मुझे कुछ करना होता है, वो भी खुद के लिए। यहां भी तो वही करने आया हूं। गिरीश जी मैम, ऊपर जाओ, दादी बुला रही है। ओके मैम। शौर्य पहुंच गया बेटा। शौर्य बोल ना, पहुंच गया? मॉम मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मुझे शायद कोल्ड हो गया है।
इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। तू यहाँ आएगा, मैं तुझे मेडिसिन दे दूंगी। तू मुझे ये बता, वहाँ पहुँच गया कि नहीं? हाँ मॉम, मैं यही हूँ। इनफैक्ट अभी राजवीर के घर में काम हो जाएगा, मैं आपको कॉल करता हूँ काम करके। जैसे ही काम हो जाए वहाँ से फटाफट निकल जाना, ओके? हाँ मॉम, हो जाएगा। मार मार के जैसे आपकी तो जिंदगी मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं। नहीं पूछा है, लेकिन इतने प्यार से तो कभी नहीं पूछा। अरे उससे पूछ रहा हूँ ना, क्यों ना पूछूं भाई, आज मेरी पोती का रोग का। तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या कि जब मैं अपना रोग का तय करूंगी तब आप मुझसे पूछोगे कि राखी जी बताओ आपको क्या चाहिए, वापसी भी आपके लिए क्या ले आऊं? शर्म नहीं आती आप रोके शोके की बात कर रहे हो? है मतलब पत्नी हो आप मेरी यार, आप रोके की बात कर कैसे सकते हो? और किसकी बात, क्या 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 बात करते हैं? शायद ऐसे बातें करके मुझे आपकी अटेंशन मिलेगी, ये प्यार भरे शब्द मिलेंगे। राखी जी क्या चाहिए, डायमंड रिंग? मतलब सारी उम्र बीत गई मेरी आपको अटेंशन देते देते, ऐसा लग रहा है कि मैं अटेंशन हो करके बिल्कुल मतलब सिपाही कितना हो गया हूँ। अटेंशन बोलिए, कितना अटेंशन चाहिए आपको? बिहेव योरसेल्फ महेश जी। तुमने बिहेव योरसेल्फ, मतलब अटेंशन दे रहा हूँ तो बिहेव योरसेल्फ, और अटेंशन ना दो तो? उम्र का लिहाज कीजिए, सामने काव्या खड़ी है, कुछ भी बोली जा रही है। अरे उम्र का लिहाज आप कीजिए ना, उम्र आपकी हुई है, बुजुर्ग आप हुई है, मैं थोड़ी हूँ। इसलिए सोचा तेरे लिए लेके भी आ जाती हूँ और पूछ भी लूंगी तेरी लाइफ कैसे चल रही है। थैंक यू सो मच आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना राजमा चावल के लिए, और लाइफ अच्छी चल रही है। हाँ हाँ अच्छी तो चलेगी ना, नए दोस्त जो मिल गए तुझे, अब पुराने दोस्त की याद कैसे आएगी, नए दोस्त भी इतनी बिजी हो गई तू। कौन से नए दोस्त, मैंने कब नए दोस्त बना लिए? अच्छा अच्छा ये लोग भूल ही गई कौन सा नया दोस्त, या जानबूझ के अनजान बन रही है? मैं जानबूझ कर अनजान क्यों बनूंगी, मुझे सच में नहीं पता तू किसकी बात कर रही है, क्लियरली बोलना। वही वो हैंडसम लड़का जो तेरे बुआ जी के घर पे रहता है। बुआ जी के घर पे कौन सा हैंडसम लड़का रहता है, किसकी बात कर रही है? राजवीर, उससे क्या मिली मुझे तो भूल ही गई, अब ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ याद ही नहीं। राजवीर? हाँ हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हो, जैसे फिल्मों में होता है, स्लो मोशन में हवाएं चलती है, कानों में लव म्यूजिक बजता है, और दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तू चुप कर, अभी तुझे कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों बोल रही है? ऐसा तो है पलकी डियर, बस तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई ना आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लेगी। चुप कर, चल अब मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। अरे अभी तो आई है, बैठ जा थोड़ी। How are you? How do I look? बहुत खुश लग रही हो, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आखिर इस खुशी का राज क्या है? I'm sure, तूने कुछ किया होगा, लेकिन बता क्या बात है? क्या बात है, दिन पे दिन स्मार्ट होती जा रही है, गेस कर ही लिया कि मैंने ही कुछ किया है। आई नो बेब, तूने ही कुछ तो किया है, चल अब बता जल्दी आखिर क्या किया है। प्रीता का इस घर में गृह प्रवेश से पहले विदाई का प्लान। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? तुझे पता है उस दिन प्रीता इस घर में राजवीर की वजह से आई थी। What? You know, doubt तो मुझे पहले ही हो गया था, पर मुझे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। फिर मैंने प्रीता को राजवीर के साथ करण के ऑफिस में देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जाके जब राजवीर को पूछा तो उसने मुझे कहा कि प्रीता उसकी केटरर है। ये दोनों मिलके ना डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। Are you sure, babes? प्रीता ये सब कर सकती है? You know, प्रीता उस चिड़िया का नाम है जो बिना हवा चलाए भी ना तूफान ला सकती है। उसे ना मुझे टॉर्चर करने के लिए घर में आने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठ के मुझे टॉर्चर कर सकती है, और टॉर्चर कर भी रही है। उस राजवीर के साथ मिलके ये डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, बट इस बार ना
इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी, उसके सारे प्लान फेल करूंगी, उसकी हर बाजी को पलट दूंगी। अब तुम देखना, राजवीर के थ्रू प्रीता इस घर में आना चाहती है ना, अब उसी राजवीर के थ्रू मैं प्रीता को इस घर से बाहर फेंकवाऊंगी। वो कैसे? देखती जाओ, जस्ट वेट एंड वॉच। आज शाम के फंक्शन में राजवीर अरेस्ट होने वाला है। You mean, तो काव्या का रोका स्पॉइल करने वाली है? Oh, please. As if मुझे उससे बहुत प्यार है, और उसे भी ना मुझसे नहीं अपनी माँ से प्यार है, और उस प्यार की कीमत ना उसे चुकानी होगी। Anyways, मैं तो आज शाम के शो टाइम का इंतजार कर रही हूँ। आज शाम को देखना जो ड्रामा होने वाला है ना, उसमें बहुत मजा आने वाला है। घर वालों के पैरों तले जमीन सरक जाएगी, इस घर की कहानी बदल जाएगी, और इसमें मेरा साथ देगा इसी घर का बेटा। श्योर श्योर। श्योर यार, लूजर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लूजर बनने वाला। तुमसे एक सवाल पूछो, थोड़ा पर्सनल है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी बातें हैं जो मैं राजवीर के बारे में अब तक जानती भी नहीं हूँ। वो तो अपने दिल की बात भी मुझसे शेयर नहीं कर पाया, और ठीक भी है, उसकी जिंदगी है, मैं अपने फैसले राजवीर पे नहीं थोप सकती। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर और शौर्य के बीच का जो झगड़ा है ना, वो सिर्फ बात एक एक्सीडेंट या चोरी या बदतमीजी की नहीं, बात कुछ और है। और इस बात की गहराई फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रही है, पर मेरा मन कहता है कि राजवीर के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है, इसीलिए इतना परेशान रहता है। हे बाबा जी, आप ना राजवीर के दिल को सुकून देना, उसका जो भी मकसद है, जो भी लक्ष्य है, वो पूरा करवाना बस। अपने आप को ऐसे भी मत देख कि तुझे तेरी नजर लग जाए, इतनी ब्यूटीफुल जो है। सच में बुआ? अरे फिर डाउट किया अपनी ब्यूटी पे? मेरी काबू इस दुनिया की सबसे प्यारी क्यूटेस्ट प्रिंसेस है, बिल्कुल चांद है चांद। काबू बच्चा क्या हो गया, इतनी सैड सी क्यों लग रही है? लेट मी गेस, लेट योर बेस्ट फ्रेंड गेस। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारी पक्का और उनसे फाइट हुई होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। काबू, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े नोक झोंक होते रहते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहीं तो झगड़े होते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, इसी को रिश्ता कहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सैड मत हो ना, फाइट हुई ना वरुण से, अब बता दे। बुआ काबू, तेरी आंखों में आंसू? काबू क्या हुआ है, मुझे बता, मुझे अब टेंशन हो रही है तेरी। तू रो क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हाँ बुआ, आपको मेरी मम्मा का चेहरा याद है क्या? आपको याद है कि वो कैसी दिखती थी? कोई फोटो आपके पास? काबू, उनकी कोई फोटोग्राफ तो नहीं है हमारे पास, तू जानती है ना सब कुछ चल गया था, लेकिन हम सबको ना उनकी हंसी, उनका चेहरा, उनकी बातें अच्छे से याद है, हमारे दिल में बसती हैं वो। सच में बुआ? सच में। तो बताओ ना बुआ, मैं अपनी मम्मा जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह बहुत ब्यूटीफुल है, वही क्यूट सी स्माइल, वही रंग, वही बातें, डिट्टो मम्मा की तरह अपनी थी। सच में? हाँ, मेरी मम्मा बहुत सुंदर थी ना? हाँ काबू, बहुत खूबसूरत थी तुम्हारी मम्मा, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी सच्ची, इतनी मासूम। पता है उनको अपनों की बहुत फिक्र थी, अपनों के लिए जान तक दे सकती थी तुम्हारी मम्मा, और वो इतनी ज्यादा प्यारी थी ना काव्या, कि
कोई उनसे नाराज रह ही नहीं सकता था। इम्पॉसिबल था उनसे नाराज होना। कि उनसे कोई एक बार मिलता था ना काबू, उनका हो जाता था। बच्चा बस अभी रोना नहीं, ठीक है? इतने प्रेटी लग रहे हो आप, ऐसे रो मत। एक सेकंड। आपके मम्मा यहाँ होते ना तो वो भी यही करते हैं। आपको पता है माँ की स्पेशलिटी होती है ये, ऐसे जो काजल की डिबिया होती है ना वो साथ लेकर ही चलती है। जब कभी उनको लगता है कि उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे तो ये ऐसे काजल निकाल के अपने बच्चों को लगा देती है। और मेरी मामा भी यही करती है, बिल्कुल सेम। उनको जब कभी लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना तो वो मुझे भी काला टीका लगा देती है। ऐसे हंसते रहना हमेशा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाहर गिरीश मेरा वेट कर रहा है, मुझे चेंज भी करना, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके इतने ध्यान से गौर से पूरे घर की तरफ क्या देख रहा है? इन सबको देख रहा हूँ, घर वाले कितने खुश हैं ना। इनफैक्ट मुझे भी खुश होना चाहिए लेकिन पता नहीं अंदर से खुश क्यों नहीं हूँ मैं। मैं जानता हूँ तो खुश क्यों नहीं, क्योंकि आज इस घर में कोई आने वाला है, कोई ऐसा शख्स जो तेरी बेटी का रोका करने वाला है। और रोके का क्या मतलब होता है? रोके का मतलब है कि हमारी गुड़िया इस घर से चली जाएगी कुछ दिनों में। हमारी काव्या, हमारे जिगर का टुकड़ा, वो इस घर को छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो एक बाप जो है उसके दिल में उदासी तो होना वाजिब है ना बेटा। ये घर सोना हो जाएगा इसलिए तो उदास है शायद। सुनिए आप लोग प्लीज गेस्ट के पास वहां जाकर सर्व कर दीजिए, और किसी को कुछ भी लगेगा तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गई? अरे तो फ्रेश जूस सर्व कीजिए ना, ऑरेंजेस तो हैं। चलिए मैं बुला दी। एक बात बताइए, आपको राजवीर और प्रीता में कुछ सिमिलरिटी नहीं लगती? दोनों एक जैसे हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच में एक बात सिमिलर है कि ये दोनों ना इस घर को अपना घर समझते हैं, इस घर के सारे काम ना पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। कैसी बातें कर रहा है बेटा? प्रीता इस घर की बेटी थी, उसे तो काम करनी थी ना। वो इस घर के लिए जो करती थी उसका फर्ज था, तो उसने किया है, उसमें क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले भी इस घर में जितनी भी पार्टीज होती थी वो कितना हेल्प करती थी इस घर के काम करने में, जैसे जैसे राजवीर कर रहा है। तू उस एंगल से बात कर रहा है? करेक्ट। हो सकता है तू उस वक्त की बात कर रहा है? करेक्ट। लेकिन भाई हो सकता है कि क्योंकि राजवीर जो है वो प्रीता के आसपास ही कहीं रहता है, कनेक्टेड है उससे, तो शायद उससे सीखता होगा ये, तो इसलिए उसमें वो झलक दिखाई दे रही है। पता नहीं उसके आसपास रहता है, उसका पड़ोसी है या उसका कोई रिलेटिव है, लेकिन एक बात तो है कि राजवीर में प्रीता की क्वालिटीज हैं, आई एम श्योर। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है। राजवीर पुत्र, मैं ठीक हूँ। नहीं आप ठीक नहीं है, आपके चेहरे पर ये उदासी, कुछ तो बात है, आप मुझसे शेयर कर सकती है? क्या बताऊँ पुत्र, जब मैं तुझे पहली बार मिली थी ना तो मुझे तू गलत लगा था, अच्छा नहीं लगा था। मैं गलत थी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी हुई है पुत्र, कितने जिम्मेदार हो, कितने समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। बड़ी दादी आप जो ये तारीफ कर रही है ना, मुझे पता नहीं कि मैं इस तारीफ का हकदार हूँ भी या नहीं। मैं सिर्फ तेरी तारीफ नहीं कर रही, मैं तेरे माता पिता की भी तारीफ कर रही हूँ पुत्र।
उनकी परवरिश की तारीफ कर रही हूँ। तेरी माँ की माँ अच्छी और सच्ची होगी, जिसे तुझे अच्छी परवरिश दी। तुझे पता मेरा शौर्य है ना, उसकी माँ ने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी। और एक बच्चा तो डिजर्व करता है ना अच्छी परवरिश अपने माता पिता से, लेकिन उसकी परवरिश अच्छी नहीं होगी। बहुत दुख होता है मुझे। बड़ी दादी, मेरी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी शायद, लेकिन काव्या की माँ भी तो वही है ना। फिर आप देखिए काव्या कितनी संस्कारी है, कितनी अच्छी है। नहीं, काव्या की ये माँ नहीं है, उसकी असली माँ कोई और है। और काव्या ने 5 साल उसकी असली माँ के साथ बिताए हैं। उसकी ना संस्कारों की जो बुनियाद है ना, बहुत अच्छी है, इसलिए तो इतनी प्यारी है, कितनी सच्ची है, भोली है। मैं उसकी माँ को बहुत मिस करती हूँ। पता नहीं, ऐसे लगता है उसे यहाँ होना चाहिए। अगर वो यहाँ होती ना पुत्र, तो सब अलग होता, हम सब कितने खुश होते। काव्या, बड़ी दादी, बड़ी माँ सब माँ को बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं माँ से। इनका दर्द देखा नहीं जाता। डैड, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? सब देख रहे हैं डैड। इधर आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। प्लीज डैड, क्या भाई डैड देख कर रहे हैं लूसरा। डैड मेरी बात सुनो, करण हम दोनों के बीच की बात है। डैड प्लीज, नो नो, अंदर डैड, करण लूसरा के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बाप जिंदा हो गया अचानक से। उससे कहता है कि अगर मेरी काव्या को वरुण ने इतना सा भी हर्ट किया ना, तो ये उसकी टांगे तोड़ देगा। How cute भाई। Don't worry अंकल, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा कि आपको मेरी टांगे तोड़ने की जरूरत पड़े। I promise मैं काव्या को कभी हर्ट नहीं करूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। Sorry। लेकिन आप लोग इसको बोल दीजिए कि ये मुझे ना पीटे। पापा ये रॉन्ग है, आप और इतने पोजेसिव। मैं छोटा बच्चा, मैं लिटिल बेबी जॉन। देखो बेटा, प्यार प्यार तो ठीक है, लेकिन कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू इतनी सी भी हर्ट हुई है, तो सीधा भाग के तुम मेरे पास में आओगे। उसके आगे चीजों को कैसे हैंडल करना है वो मैं जानता हूँ। ओके मिस्टर हैंडसम। आप उदास लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी का रोका है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं ना। सच बताओ तो वाकई पता ही नहीं चलता कि बेटियां कब इतनी बड़ी हो जाती हैं और फिर मायका छोड़ जाती है। लेकिन आप उदास मत होइए, आज तो खुशी का दिन है ना, तो थोड़ा मुस्कुराइए। आप
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह, आपको शायद अजीब लग रहा होगा कि मैं इस तरह से वीडियो कॉल पे, आई नो के आपके घर में फंक्शन, एक्चुअली वो मैं राजवीर से बात कर रही थी, उसने मुझे कॉल किया था और ये भी बताया कि आपकी बेटी का रोका है। मैंने थोड़ा सा फंक्शन भी देखा और आपकी बेटी को भी देखा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे किसी की याद आई, लेकिन सब कुछ इतना दूर दूर था ना, तो मैं ठीक से देख नहीं पाई। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप रो रहे हैं। देखिए, आप रोइए नहीं, प्लीज। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे डर लगता है ना कि काव्या तुझे, हम सबको, इस परिवार को छोड़ के चली जाएगी? डरने लग रहा तो खो रहा है, वो खो रहा है कि इस सपने प्रीता नहीं है हमारे साथ। बहुत याद आ रही है, राइट, मैं प्रीता, आप मुझे बुला रहे हैं ना? अब लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ हूँ, मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताइए ना, प्लीज। आप प्लीज रोइए मत, आपकी बेटी को मैंने देखा, वो बहुत खुश लग रही थी, आपको भी खुश होना चाहिए ना। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं। तुमने मुझे रोका क्यों? करण मुझे सच बताने वाला था। ये तो अच्छी बात है, करण तुझे सब सच बताने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन ले। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड का उसके पीठ पीछे अफेयर चल रहा था, जो मेरी फ्रेंड को पता चल गया। फिर उसके हस्बैंड का अफेयर चलता रहा 2-3 महीने तक। स्टार्टिंग में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2-3 महीने बाद एक दिन उसको गुस्सा आ गया, तो उसने अपने हस्बैंड से पूछ लिया कि आखिर चल क्या रहा है। तो उसके हस्बैंड ने उसे सब सच सच बता दिया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता है, और अब वो हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ रहना चाहता है। एंड यू नो व्हाट, उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी फ्रेंड को छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। आई होप बेब्स, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझ आ रहा है। तो अब ये तुझे डिसाइड करना है कि तुझे करण से सच जानना है या नहीं। आई नो तू अगर करण से पूछेगी तो वो तुझे सच सच बता देगा, लेकिन ये बात तो तू भी जानती है कि करण प्रीता से आज भी बहुत प्यार करता है। जस्ट इमेजिन, अगर ये सच करण ने तुम्हें बता दिया और ये कहा कि वो प्रीता से बहुत प्यार करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, तो क्या करेगी? छोड़ के चली जाएगी करण को?
इसलिए कहती हूँ बेब्स, अगर तू करण को खोना नहीं चाहती है ना, तो उसे ये सवाल जवाब करना बंद कर दे। तुझे जो करना है कर, उस प्रीता से छुटकारा पाने के लिए तू जो कर सकती है कर, लेकिन करण को ये बात कभी पता चलने ना देना कि तू जानती है प्रीता जिंदा है। सही कह रही है तू। थैंक यू सो मच यार, तूने बचा लिया मुझे। ओके माय प्रिंसेस, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। कौन सा गाना? अरे भाई जो आपको अच्छा लगे वो गा लो। जो मुझे अच्छा लगे? हाँ जी। ओके तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी खड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस राणा तेरे नाल बेजुरी है। राणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। बारी खोला दे चंद दिख जावे, अखां च भी तन रातां सारिया जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही होए ते प्यार ही खाण, विच कोई आवे ते प्यार ही ना। दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर होण नाल तेरे मेरा हर सपना। मैम वो तो राजगीर ले गए। तो जूस ले जाओ। मैम जूस भी राजगीर ले गए। अपनी जॉब भी उन्हें दे दो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी मैम लेकिन उन्होंने सब कर दिया। रिलैक्स बेब्स, जस्ट कम डाउन। गिरीश तुम एक काम करो, मैं एक शिफ्ट किचन में मेहमानों के लिए खाना बन गया ना एक बार चेक करो। खाना खिलाएंगे ना मेहमानों को? जी मैम, जी मैम। गो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू बेब्स? क्या था ये सब, इतना गुस्सा? क्या करूं मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई कैन सी दैट, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर फंक्शन छोड़ के तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? इससे पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं किया। आर यू श्योर तुझे वहाँ रसम में नहीं होना है और यहाँ किचन में काम करना है? तूने नहीं देखा वो ओल्डी गोल्डी लेडीज को? देख सारा टाइम प्रीता प्रीता प्रीता। अरे दिया क्या है प्रीता ने इस घर को? मैंने 20 साल दिए, वो तो गिन के 4-5 साल भी दी रही है इस घर में। करने दो इनको प्रीता प्रीता। देखना मैं ना सब खत्म कर दूंगी। मैम दो आदमी आए हैं और करण सर ने आपको बुलाया है। चल आती हूँ। ओके मैम। और वो दो आदमी कौन? इस घर में प्रीता की एंट्री से पहले। हाय।
आप यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक वीडियो कॉल पर हूँ। वो एक्चुअली राजवीर जब से फोन छोड़ के गया ना, वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और मैं इनसे बात कर रही। कहाँ गया राजवीर, अभी तक आए क्यों नहीं? प्रीता, 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 आंखें खोलो प्रीता। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैंने पहले से जानती हूँ? पासवर्ड क्या था? 7362। पैसे कहाँ गए? यहीं तो थे। पैसे यहां नहीं है, कहीं इन लोगों ने पैसे कहीं और तो नहीं रख दिए? जाकर पूछता हूं। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जाम हो गया क्या? एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि मैंने ना काव्या के लिए बहुत ही प्रिटी नेकलेस बनवाया है। अरे राजवीर, तुम यहाँ इस तरह से, ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कैसे बाहर आए हो? वो रूम का डोर बाहर से लॉक है, किसी ने मुझे अंदर ही लॉक कर दिया था। दैट्स इम्पॉसिबल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने डोर ओपन करने की कोशिश की लेकिन खुल नहीं रहा था, इसलिए तो मैं ये विंडो से जंप करके बाहर आया। अब हो सकता है जाम हो गया। एनीवेज, पैसे कहाँ हैं? पैसे तो लॉकर में है ही नहीं। पैसे नहीं है? हमने हमने लॉकर में ही रखे थे ना पैसे, हम दोनों ही नहीं तो रखे थे? लॉकर में से कहाँ जा सकते हैं? मैं देखती हूँ। दरवाजा तो खुला हुआ। डैड, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? निधि ने बुलाया पुलिस को? निधि को हर चीज की इतनी जल्दी क्यों रहती है? हैं? उन दोनों को भी पैसे लेने के लिए आज ही बुला दी। माना कि निधि ने परसों बैंगलोर जाना है, उन दोनों को पैसे मैं भी दे सकता था ना। इस लॉकर का पासवर्ड मुझे भी पता है, लेकिन नहीं, हर चीज में चलती है और पुलिस को बुला लिया उसे। That what's wrong with you? यहां बात राजवीर की है और आप मॉम से अपसेट हो रहे हो?
राजवीर ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमारा विश्वास तोड़ा है, he's done us a fraud. और आप मॉम से अपसेट हो रहे हो? और क्या बोला मॉम ने? जो कहा सही तो कहा. देखिए रूम की विंडो ओपन है और वो वहां से जंप करके निकला है जब डोर ओपन था. हमने देखा है, इस बात की क्लैरिटी हमें अब तक नहीं मिली. एक बात कहूं शौर्य, तुम ना बिल्कुल निधि की तरह बात करने लगे हो. That what do you mean? बाहर पुलिस आई है राजवीर को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि उसने चोरी की है. It's that simple. Oh God. बाहर पुलिस? इंस्पेक्टर, 1 करोड़ रुपए थे, कल ही घर पे आए थे और इसको मैं अपने साथ लेकर गई थी लॉकर रूम में वो पैसे रखने के लिए. कितना ट्रस्ट किया हमने इस पे? पूरी फैमिली ने कितना ट्रस्ट किया और इसने क्या किया? हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, वो पैसे चुरा लिए. निधि क्या हो गया तुम्हें? राखी मॉम प्लीज, आज नहीं लास्ट टाइम भी इसने शौर्य पे अटैक कराया और आपने इसको बचा लिया, अरेस्ट नहीं होने दिया. आज नहीं, राजवीर ऐसा नहीं कर सकता. नहीं मॉम, ये रॉन्ग है. निधि मॉम आप समझने की कोशिश करिए, राजवीर भाई ऐसे नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकते. काव्य बेटा प्लीज, आप बीच में इंटरफेयर ना ही करो ना तो बेटर है. अपने इन-लॉज को लेके आप अंदर जाओ, यहाँ मैं हैंडल कर रही हूँ. मैं बस इतना कह रही हूँ कि राजवीर भाई गलत नहीं हो सकते. कहने को तो बड़ी बहन है, लगती छोटी है, लेकिन देखो आज अपने भाई को कैसे बड़ी बहन की तरह प्रोटेक्ट कर रही है. इंस्पेक्टर चोरी इसी ने की है, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेती हूँ कि चोर यही है. आपको पता ये यही गया था मेरे साथ लॉकर रूम में, इसको पासवर्ड भी पता था. आप इसे अरेस्ट कीजिए. इंस्पेक्टर आप प्लीज मेरे साथ में आइए, मुझे आपसे बात करनी. करण अब क्या बात करनी है, सारी बात तो सबके सामने साफ साफ है, सबको सारा सच पता है. और प्लीज अब ये मत कहना कि दरवाजा खुला था या नहीं खुला था, क्योंकि तुम भी जानते हो कि दरवाजा लॉक नहीं था. सो प्लीज आप इसे अरेस्ट कीजिए. निधि जस्ट शट अप, मैंने कहा ना मुझे टाइम दो. जस्ट शट अप. दैट लूथरा फैमिली के जेंट्स लेडीज से इस तरीके से बात करते हैं? डैड प्लीज, आप इस लड़के के लिए मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते. है कौन ये लड़का? चोर है, चोर. चोर नहीं, राजवीर चोर नहीं है. ये मेरी वजह से यहाँ पर आया था, मैंने बुलवाया था इसे रोके पर हाँ जिस पर सब इल्जाम लगा रहे. नहीं प्लीज लेडी, प्लीज ये आपका असली भाई नहीं है. आपका असली भाई मैं हूँ. और आपके असली भाई की जान लेने की कोशिश की है इस इंसान ने, पूछिए इससे. इसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देके मेरी जान लेने की कोशिश की थी. मेरी म्यूजिक कंपनी की लॉन्च पार्टी में आकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी इस इंसान ने, पूछिए इससे कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं. आपका ये इनोसेंट भाई जो है ना, इसने मेरे साथ क्या किया है मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले इसने मुझे अरेस्ट करवाया, he sent me to the jail. उसके बाद ये आया मेरी म्यूजिक अवार्ड की सेरेमनी में, वहां आके इसने पूरी की पूरी पार्टी बर्बाद कर दी. उसके बाद ये आता है मेरी कंपनी लॉन्च पार्टी में, वहां पर आके तो इसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी. बता क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वो तो बड़ी मॉम की वजह से ये बच गया, उनको इसके ऊपर प्यार आ गया और इसको अरेस्ट होते होते बचा लिया उन्होंने. काव्या, आपका दिल जो कहता है आप वो सुनो, वो मानो. मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया ना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से करूंगा. अगर सिचुएशन वैसी होगी तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने किया. मैं इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने चोरी नहीं की, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं कहा. ऑफ कोर्स तू तो यही बोलेगा, तेरे पास बोलने के लिए सच थोड़ी है, झूठी बोलेगा क्योंकि तू एक गिरा हुआ इंसान है. बिल्कुल चुप.
गिरा हुआ मैं नहीं गिरा हुआ तू है। आई डेयर यू। ये मेरा घर है, मुझसे तमीज से बात कर, समझा? शौर्य 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 बता, जो बता रहा था बता केडी को। काव्या, मैंने अब तक जो कुछ भी किया ना, उन सब के लिए मैं गिल्टी हूं। हाँ, मैंने वो सब कुछ किया जो ये कह रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया मैंने। इससे जो कुछ भी किया उसका उसका जवाब था। पता है क्यों मैंने क्यों किया? इसने क्या किया? इसने वो ही किया जो उस दिन गुंडे आपके साथ करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं, मोलेस्ट नहीं किया, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी हरकत की है। उसने एक लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पता है, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस से अरेस्ट करवाने की कोशिश की, और जब उससे ये नहीं हो पाया ना, उसकी शादी में आ गया, सबके सामने पूरे परिवार की और उसकी बेइज्जती की। आप तो जानती है ना, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं और जीत भी सकता हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावां। तुमने अपनी फैमिली को क्या कर रहे हैं? ये लोग उस चोर के साथ खड़े हैं, इंस्पेक्टर के सामने उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। I really don't understand. और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जैसे तैसे करके अरेस्ट करवाया, फिर ये लोग उसके पीछे पीछे जाने लगे। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने सबको। निधि, what's wrong with you? क्या बचपना है? बचपना नहीं है, गलती इनकी है तो इनको डांटो ना। निधि, सॉरी पापा, आई नो ये आपका फैमिली मैटर है और मैं बीच में बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वरुण, आप तो तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो। बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। एक्चुअली राजवीर को अरेस्ट होते देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम सबको लगता है कि राजवीर एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसीलिए सब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई नो मॉम उसे इसलिए अरेस्ट करवाना चाहती थी ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके और सच्चाई सबके सामने आए, और इन सब में हम सब आपस में लड़ पड़े। बट आई फील कि सब अपने इमोशंस और फैक्ट के बीच में लड़ रहे हैं, इसलिए सब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और बहुत हाइपर हो रखे हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमें काम डाउन होने की जरूरत है, तभी हम एक कर पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हाइपर होके कुछ नहीं मिलेगा। वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें समस्या का समाधान शांति से निकालना चाहिए। देखिए भाई साहब, काफी समय से हम सब कुछ देख भी रहे हैं और नोटिस भी कर रहे हैं, बस बीच में कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये आप सबके घर का मामला है। लेकिन आप सब लोग आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आई फील वरुण जो भी कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्लीज काम डाउन। राजवीर भाई गलत नहीं है, मैंने राजवीर को यहाँ पर बुलवाया था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। निधि, धीरे बोलो। क्यों क्यों चिल्लाना बंद करूं? मेरी क्या गलती है? गलती आप सबकी है जो जो एक पराये पे एक गैर पे भरोसा किया। एक्चुअली ना, गलती सारी तुम्हारी है करण, दी करण लूथरा।
अपने ऑफिस में जॉब दे दी, इसीलिए घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे घर का मेंबर मान लिया, उसको उस पर इतना सारा भरोसा कर लिया। और फिर क्या हुआ? फिर आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि मैं भी उस पर भरोसा करूं। आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि गलती मेरी हो, गलती राजवीर की थी। आपको पता है आप लोग सब पे ना एक कहावत एकदम एक्यूरेट जाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब जो गलत है उसको तो गलत बोला नहीं, जो गलत नहीं है उसको जाके सब सुना दो। घूम फिर के सारी गलती तो सिर्फ निधि की होती है ना, गलत तो सिर्फ निधि है। ऑफ कोर्स तुम गलत हो, नहीं जानती क्या किया तुमने? तुमने इल्जाम लगाया चोरी का, वो भी राजवीर पे, जिसे हम लोग अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। हमें भी पता था घर में चोरी हुई है, लेकिन तुमने डायरेक्टली इल्जाम लगा दिया राजवीर पे और पुलिस को भी बुलवा लिया। हमसे बात करने की जरूरत नहीं समझी तुमने? क्या क्या बात करती? सिर्फ बात ही नहीं करनी थी, हम सबसे पूछना चाहिए था। अगर पूछ लेती तो ये ना कहती कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि तुमने गलती की है। दादी वो आप शांत हो जाइए, हैं मैं हैंडल करता हूँ। देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो गया एक ही दिन में, तो आई एम रियली सॉरी, कल मिलते हैं। मिस्टर लूथरा प्लीज प्लीज आप इतना एम्बेरस मत फील कीजिए। आई नो जो भी हुआ बहुत अजीब था, बट पापा प्लीज अब आप ज्यादा मत सोचिए। चलते हैं। मैं छोड़ता। नमस्ते। आई काव्या, आई नो अभी तुम बहुत इमोशनल हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी बात करनी हो, जस्ट अ कॉल अवे, ओके? I'll just smile. I'll see you soon. Just take care of yourself. मिस्टर लूथरा, अब हम भी चलते हैं। चलिए। सबके सामने बोलना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोल रही हूं। तुमने जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया और तुम गलत हो। देखिए मुझे लगता है मैं सही हूं, मैंने जो किया सही किया, अब आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग देखिए। Are you really mad? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है? मैं तुझे अकेला छोड़ दूँ? तूने मुझे छोड़ा था अकेला, जिस दिन से मिला है उस दिन से पीछे पड़ा है। तूने मुझ पे अटैक किया था, क्या सोचा कि मैं गिफ्ट बैक नहीं दूंगा? ये ले आ गया गिफ्ट बैक। तू जेल के अंदर खड़ा है और मैं जेल के बाहर। वैसे याद है जब मैं अंदर था और तू यहां जेल के बाहर खड़ा था, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा रहे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा एंड व्हाट नॉट। देख मैं जेल के बाहर आ गया और तू जेल के अंदर। मैं बाहर तो आ गया और मैंने तुझे तेरा सबक भी सिखा दिया जो तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तुझे जिंदगी भर इस जेल में रखूंगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुझे करके दिखाऊंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है और पिछली बार तेरी मासी ने भी मेरा साथ दिया था। देख मेरी मासी का नाम तू मत ले। मुझे तेरी मासी के बारे में कोई बात नहीं करनी, स्पेशली तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो खड़ा क्यों है? जाना, अकेला छोड़ दे मुझे। ऐसे थोड़ी होता है राजवीर, तुझे यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। गॉड कितना गिरा हुआ है तू। आई कांट बिलीव तूने अपनी बहन के रोके के दिन ये सब किया है, सीरियसली। एग्जैक्टली, जिस लड़की ने तुझे अपना भाई माना, अपनी रोके में इन्वाइट किया, तूने उसी के रुके के दिन इतनी गंदी हरकत, उसी के घर में चोरी की राजवीर। देख तू मुझे जज करने वाला कोई नहीं होता है, तो ये सब बकवास मत कर। तूने चोरी की है
मैं बताऊंगा और चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। मैंने चोरी नहीं की है। चिल्ला मत। मैं चिल्लाऊंगा और जोर जोर से चिल्लाऊंगा क्योंकि मैंने पैसे नहीं चुराए। तूने ही पैसे चुराए हैं। मैं भी सबको बता दूंगा कि तू कितना बड़ा हंग्री कैट है। सुबह शाम दिन भर पैसों के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए तो तू हमारे घर आया था पैसे चुराने के लिए, है ना? पैसों के बारे में सोचने वाला तू है और तुझसे सीधे तरीके से कुछ हो नहीं पाया तो मुझे धोखे से फंसाया तूने। इतना कमजोर है तू। कमजोर मैं नहीं, कमजोर तू है राजवीर। तू अपनी जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकाल। तू गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी क्या गलती? तेरे घर में पैसे नहीं थे, मेरी क्या गलती? तूने जिंदगी में पैसा नहीं देखा, वो मेरी क्या गलती? ये ब्लेम मुझे मत दे राजवीर। और तूने ये जो मेरे दी के रुके के दिन ये हरकतें जो की, ये जो चोरी की, इसके लिए तो तू जेल ही डिजर्व करता है। लूथरा हाउस में आने के लिए, मेरे ऑफिस में आने के लिए, सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए तू जेल डिजर्व करता है। यू नो व्हाट सैंडी, इतना सब कुछ होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन, जो फीलिंग मैं ढूंढ रहा था ना, वो मुझे नहीं मिली। डू उस क्रैकपॉट को जेल पहुंचाना मेरा गोल था, मेरा एम। उसे अब बिहाइंड द बार्स देख के मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। डू वन थिंग ब्रो, इन पुलिस वालों को कुछ पैसे वैसे खिला के अंदर जाने का एक्सेस ले ले, और अंदर जाते ही ना पीट दे उस क्रैकपॉट को। मुझे उसे फिजिकली हर्ट नहीं करना है सैंडी, मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे वो सैड हो जाए, जिससे वो सफोकेटेड फील करे, हेल्पलेस फील करे। मुझे उसे मेंटली ब्रेक करना है अंदर से। आई वांट टू ब्रेक हिम इंटरनली। टूटेगा ब्रो, जरूर टूटेगा। ये कोई फाइव स्टार नहीं है, जेल है ये। और यहाँ एक दो दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए आया है। और वैसे भी जेल जाना किसे पसंद है? किसी को नहीं। इवन जो लोग रोड पे रहते हैं ना, उन्हें भी जेल जाना पसंद नहीं। और ये तो वैसे भी घर पर रहता है, और जब ये इतने दिन घर नहीं जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि लूथरा हाउस से पैसे इसी ने चुराए। और पता है उसके बाद क्या होगा? क्या? धीरे धीरे मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि इसने पैसे चुराए। इससे कोई बात नहीं करेगा और इसका नाम बदनाम। इंस्पेक्टर, चोरी के केस में राजवीर कितने टाइम तक जेल में रहेगा? चोरी का केस है तो 1 से 3 महीने। और अगर मुझे कोई पुराना केस रीओपन करना हो तो? कौन सा केस? कौन सा केस? इंस्पेक्टर, इस लड़के ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। इसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मुझ पर अटैक किया था। अगर मैं वो केस रीओपन करूं तो कितनी लंबी सजा हो सकती है? चोरी प्लस अटेम्प्टेड मर्डर, कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाएगा। थैंक यू सैंडी, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूं? कैसे? निधि आंटी के बोलने पे चला गया। भले मुझे लॉकर का पासवर्ड पता था, मुझे पता था कैश कहाँ है, लेकिन उनके कहने पर मुझे वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। किसी ना किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए था। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। आई जस्ट होप माँ ठीक हो। ओ गॉड, प्लीज कुछ करिए प्लीज। नहीं, अभी मेरा कोई मूड नहीं। फेल होने का तो जान से नहीं। I'm so proud of you. And finally, निधि हिंदुजा जीत गई है। Congratulations. Thank you. शौर्य काफी टाइम से नहीं दिखा। शौर्य को एक कॉल कर लेती हूँ। Yes, mom. कैसा फील कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है? कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्योंकि मेरा आने का मन था, मुझे आना था। मुझे बस क्रैकपॉट से मिलना था। मैं यहाँ आया, उससे मिला। आई कांट टेल यू मुझे कितना सैटिस्फाइड फील हो रहा है। रियली सैटिस्फाइड? यस मॉम, आज जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद राजवीर को बिहाइंड द बार्स देख के आई एम लविंग इट। गुड। अच्छा अब ये बता, घर कब तक आ रहा है? बस निकल रहा हूँ यहाँ से, सैंडी के साथ कुछ देर हैंग आउट करके घर आ जाऊँ। ओके, कम सून बेटा। ऑलराइट मॉम, सी यू, लेट्स गो।
दी तो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं कॉल करूं और दी फोन ना उठाए। इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ, एक मिनट। मैं नहीं 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 फोन ही नहीं उठा रही है दीप। राजवीर एक बार उसे कॉल करके देखिए। राजवीर को ट्राई करती हूँ। कमाल है, आज कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। राजवीर भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है राजवीर का फोन साइलेंट पर हो। उसका फोन अक्सर साइलेंट पर रहता है। आप कमशेदपुर से आई हैं और मैंने आपको पानी भी नहीं पूछा। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कौन है ये इतनी प्यारी लड़की? आप हम सबको जानती है लेकिन आप इसे नहीं जानती। पता होता तो मैं पूछती बेटा। ये तो पागल है जी। मैं बताती हूँ, वो मेरे भाई की बेटी है, भतीजी है जी मेरी। हाँ, और मेरे बेस्ट फ्रेंड राजवीर की बेस्ट फ्रेंड। राजवीर की बेस्ट फ्रेंड? पर राजवीर ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है। बताया क्या? दिखता है। दिखता है? दिखता है मतलब क्या होता है? तू ना मेरे साथ ऐसा जिग्सॉ पजल मत खेल। साफ साफ बता, मैं उसकी माँ हूँ। अरे कोई नहीं जी, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको उसको अपने घर की बहू बनाना है, है? अरे आपका बेटा बात ही ऐसा कर रहा है। अभी उसने बोला ना कि दिखता है। दिखता है मतलब कुछ तो गहरी बात होगी जिसकी वजह से ये कह रहा है। सृष्टि जी आपके लिए पानी। आप चाय पियेंगी? कितनी प्यारी है और संस्कारी भी। जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज सृष्टि माँ की बहुत याद आ रही। काश वो यहाँ पर होती। माँ को ना उनकी बहुत जरूरत है। माँ को सहारे की बहुत जरूरत है। अगर सृष्टि माँ यहाँ पर होती तो वो माँ को संभाल लेती। एक वही तो है जो माँ का सहारा बन सकती है, उनके आंसू पोंछ सकती है। कितना मना किया माँ ने मुझे, कितना मना किया, मैंने उनकी एक नहीं सुनी। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। चल तू। मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। काश मैं वहां पर जाता ही नहीं। कांस्टेबल, कांस्टेबल साहब, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। हेलो, कोई है? क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया राजवीर तुझे? माँ इस वक्त बहुत दर्द में होगी, बहुत तकलीफ में होगी, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ। हे भगवान, आप चमत्कार करते हैं। हाँ प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि सृष्टि माँ यहाँ पर आ जाए, इस शहर में आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज। अंदर जो पेशेंट है उनका एक्सीडेंट हुआ है? जी डॉक्टर। ठीक है, आप लोग यही रुकिए, हम संभालेंगे। सिस्टर क्या हुआ इनको? मैम इनका बहुत खून बह चुका है, एक्सीडेंट हुआ है। ओह नो, इनके सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट आई है। नर्स, इनको स्ट्रिचेस लगाने पड़ेंगे, जल्दी से एनेस्थेशिया देना पड़ेगा। गेट रेडी सून। जी मैम, अभी लाइए। सर, सर मेरी बात सुनिए सर, सर
क्या है, क्यों हल्ला मचा रखा है? सिर्फ एक कॉल, टाइम मत लगाना, ओके? बाय बाइक कहाँ है? हाँ, वो एक्चुअली बारिश थी ना, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पार्क करके आया हूँ। अरे तो खड़ा क्यों है? जा दौड़ के जा, भाग कर, जल्दी लेकर आ। अननोन नंबर से फोन आ रहा है। हेलो, हेलो राजवीर, बेटा बेटा प्रीता दी कैसी है? दृष्टि मोम तो कमशेदपुर में, सच बोलू भी तो कैसे बोलू? आई एम सॉरी, आपने मुझे कितना मना किया कि यहाँ पर नहीं आना है, फिर भी मैं आ गया। मासी को लेकर मैं यहाँ पर आ गया। लूथरा से बदला लेगा ना मचाना, और इसीलिए मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की ताकि निशकरण लूथरा के करीब रहकर उनको बर्बाद कर सकूं। और देखिए ये बदले की आग मुझे कहाँ पर ले आई, 1 करोड़ की चोरी के इल्जाम में जेल में। जेल क्या मिला मुझे, क्या पाया क्या खोया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब राजवीर को प्रीता दी के बारे में कुछ नहीं पता, और अभी मैं इसे बताऊंगी भी नहीं। तू है ना, स्ट्रेस मत ले, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ अभी यही मतलब, मतलब आप यहाँ पर है, मुंबई में? ऑफ कोर्स मैं मुंबई में हूँ, माँ हूँ मैं तेरी। अरे बच्चे को एक खरोंच भी आती है ना तो माँ को एहसास हो जाता है, बिना देखे सब कुछ दिख जाता है कि उसका बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में है। राजवीर भले मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ तो हूँ ना मैं तेरी। बेटा तुझे तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, तो रुक मैं अभी आई तेरे पास। हाँ हाँ मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं राजवीर को बचा लूंगी थी, मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगी, मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊंगी। अब अपने आगे को वो लेना दी, मुझसे बात तो कीजिए दी। दी सुनिए ना, देखो ना मैं आई हूँ। देखिए अभी आप जाइए यहाँ से, इन्हें 3 घंटे से पहले होश नहीं आने वाला, प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए। अगर इन्हें डिस्टर्ब किया तो इनका ब्रेन गलत तरीके से रिएक्ट कर सकता है, प्लीज लेट हर रेस्ट। दिमाग पर असर हो सकता है, डॉक्टर पलकी खुराना, मैं राजवीर अरोरा की नेबर हूँ। और जी मैं इसकी बुआ हूँ, और वो राजवीर पुत्र ना हमारा ही किरायेदार है जी, मेरे घर में रहता है जी। कहिए। वो जी सृष्टि और मोहित आने वाले थे जी, यहाँ पे दिख नहीं रहे कहीं पे। एक्चुअली आई थिंक वो दोनों अंदर गए होंगे राजवीर से मिलने, क्या हम भी राजवीर से मिल सकते हैं? वो दोनों, ऐसा तो कोई राजवीर से मिलने आया नहीं है जी, कोई नहीं आया। शायद ऑन द वे होंगे, या सर एक्चुअली क्या हम राजवीर से मिल सकते हैं प्लीज? नहीं नहीं, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक राजवीर से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं। मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन कब तक खत्म होगी जी? उसमें तो टाइम लगेगा मैडम। सर इट्स एन इमरजेंसी, अगर सिचुएशन इतनी अर्जेंट नहीं होती तो हमें आपसे इतना रिक्वेस्ट नहीं करते प्लीज सर। हाँ जी बस वो 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए जी, ओनली 2 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। यस सर। हाँ हाँ पाटिल। यस सर। यहाँ आओ जी। सर मैडम को राजवीर से मिलवा दो। ओके सर। थैंक यू सर। आइए मैडम। आप लोग यहाँ पर? राजवीर तो जेल के अंदर क्या कर रहे हो, क्या हो गया? शौर्य की बहन काव्या का रोका था, और काव्या ने मुझे बड़े प्यार से वहां पर बुलाया था। मैं काव्या को अपनी बहन मानता हूँ, तो मना नहीं कर पाया और वहां पर चला गया। और फिर लूथरा हाउस में कुछ पैसों की चोरी हुई, और उन लोगों ने वो पैसों की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे अरेस्ट करवा दिया।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। राजवीर, तुम्हें खुद को हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब ना उस बिगड़ैल शहजादे की हरकत है। मुझे उसका टेंशन नहीं है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि उसने आज ही के दिन ये सब कुछ किया। I mean, काव्या का रोका था, इतना बड़ा दिन था, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पुत्र, तू शांत हो जाए, टेंशन मत ले। हम ना अभी पलकी के बाबूजी के पास जाएंगे, वो जानते हैं कुछ वकीलों को, उनसे बात करेंगे हम। और ना तुम बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाओगे, और जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो डर किस बात का है ना। और वो सृष्टि जी भी बस यहीं पहुंच रही है, हमें लगा वो अब तक आ चुकी होंगी, बट आई थिंक वो ऑन द वे ही है। तुम टेंशन मत लो। आज मेरी फैमिली गलत नहीं है, प्रीता भाभी गलत है, उनसे गलती हुई है। सृष्टि, अपनी फैमिली को डिफेंड करने के चक्कर में मेरी दी को गलत ठहराने की जरूरत नहीं है। सैमी, आप सब मेरी दी के खिलाफ हैं। आप लोगों ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। सृष्टि दी, सृष्टि, आज मैं आप सभी से यही इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ती हूँ। लूथरा से बदला लेना था ना मुझे, इसीलिए मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की, ताकि मिस्टर करण लूथरा के करीब रहकर उनको बर्बाद कर सकूं। और देखिए कि बदले की आग मुझे कहां पर ले, 1 करोड़ की चोरी के इल्जाम में जेल में। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? दिखता नहीं है, पत्थर फेंक रही हूं, हट दो। अरे बहुत बुरे, उनके साथ बुरा कर दिया। छोड़ो ना, तुम चलो ना, चलो तुम मेरे साथ चलो। इसलिए तो कह रही हूं, ऐसे कैसे उनके घर जा सकते हैं? निधि, क्या हो गया है? अगर मॉम एक बार जाकर उसकी मासी से मिलना चाहती है तो मिलने में प्रॉब्लम क्या है? करण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, अरे जानते क्या हो, वो राजवीर ने इस घर में चोरी की है, अगर उसकी मासी भी उस चोरी में इन्वॉल्व हुई। निधि प्लीज, प्लीज। बात ये नहीं हो रही कि उसकी मासी इस चोरी में इन्वॉल्व है या नहीं, बात ये हो रही है कि मॉम उसकी मासी से मिलना चाहती है। बस मॉम, अब जाओ मिल लो उनसे। नहीं जा सकते निधि, नहीं मिल एना, बस हम लोग हर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं राजवीर को मिलने। अच्छे, इसके बाद और कोई बात नहीं होगी मम्मा। चलो चलते। चलो मैं चेंज कर लूं। हाँ ठीक है, आप चेंज कर लो, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने उसको बोला है कि आप अच्छे अच्छे वकीलों को जानते हो कुछ, तो आप ना कोई अच्छे से वकील करो, उसको छुड़ा दो ना वीर जी। लो एक और सियापा। देखिए जी, जो हुआ सो हुआ, अब इस सब पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि राजवीर अरेस्ट हुआ क्यों? माँ,
राजवीर ना शौर्य की बहन के रोके में गया था, फिर वहाँ पर कुछ पैसे चोरी हो गए तो उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसे अरेस्ट करवा दिया। बाऊजी देखो जी, मैं पहले से कह दे रही हूँ कि ये सब मामलों में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो भरजाई जी, है हमारी राजवीर ने कितनी मदद की है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। उसने हमारी मदद की थी तो हमने कोई चोरी नहीं की थी, उसने चोरी की है चोरी। नहीं माँ, राजवीर ने कोई चोरी नहीं की है, वो लोग बिना किसी सबूत के राजवीर पर इल्जाम लगा रहे हैं। पाऊ जी इतना तो विश्वास रखिए राजवीर पर। बेटा विश्वास है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ राजवीर ऐसा नहीं कर सकता, हम उसकी मदद करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा। इससे झगड़ूंगा सर। राजवीर, सृष्टि माँ, मेरा बच्चा, सृष्टि माँ, मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अभी सेल खोलिए ना, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। क्यों खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए मैं आज ही मुंबई आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे ऐसे लॉकअप में होगा, बस एक बार मुझे इससे मिलने दीजिए, इससे गले लगाऊंगी ना तो मन को शांति मिल जाएगी। और देखिए आप माँ बेटे के बीच में कानून को मत लाइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये सेल खोल दीजिए। आपको बोला ना सेल नहीं खोलेंगे। कैसे नहीं खोलेंगे आप, क्यों नहीं खोलेंगे, क्या किया तेरे बेटे ने, खोलिए अभी क्या सेल। माँ माँ आप इनसे मत लगिए प्लीज। तू चुप कर, तू अपनी जिंदगी में कुछ भी होता है मुझे कुछ नहीं बताता, ना तू मेरी बात सुन रहा है ना इंस्पेक्टर साहब मेरी सुन रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब हम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, मैं आज ही मुंबई आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ऐसे, प्लीज सेल खोलिए ना प्लीज, मुझे इससे मिलने दीजिए प्लीज। मैडम देखिए आपका बेटा यहाँ मेहमान बन के नहीं आया है, अरेस्ट करके लाए थे, क्रिमिनल है ये। ए, मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है, नहीं है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है तो इसे क्रिमिनल तो कहना ही नहीं, पर क्या सबूत है आपके पास, क्या सबूत है कि ये क्रिमिनल है? आप कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, आपको क्या लगता है हम किस टाइप के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं हम, इसे देखकर लगता है कि ये चोरी करेगा या कुछ भी करेगा। आपको क्या लगता है हम लॉयर नहीं हायर कर सकते, मैं अभी के अभी एक लॉयर खड़ा कर दूंगी और इसे जेल के बाहर निकलवाऊंगी। हाँ तो आपको जो करना है कीजिए, लेकर आइए लॉयर को, बेवजह हंगामा खड़ा मत कीजिए यहाँ पर। मैं हंगामा खड़ा कर रही हूँ, मैं कॉन्स्टेबल साहब मैं हंगामा खड़ा कर रही हूँ, अरे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहे ये लोग। राजवीर तेरी मॉम तो बहुत डेयरिंग बाज है और इंप्रेसिव भी, मतलब किसी से भी नहीं डरती, पुलिस से भी नहीं। चुप कर मोहित, सबके सामने मत बोल। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए। तू चुप कर, आपने किसके कहने पे इसे अरेस्ट किया है, क्या सबूत है आपके पास? हाँ अभी तो केस दर्ज भी नहीं हुआ है और आपने जजमेंट पास कर ली कि ये क्रिमिनल है, इसे अभी के अभी लॉकअप से बाहर निकालिए। देखिए आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आप ज्यादती कर रहे हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया लेकिन आपने फिर भी उसे लॉकअप में बंद कर दिया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से अपने बेटे को लेकर जाऊंगी, लॉकअप खोलिए आप। नहीं खोलेंगे मैडम, ये कोई आपका घर आंगन नहीं है कि चले आए बेटे को गले लगाने, प्लीज जाइए आप यहाँ से। मैं नहीं जा रही हूँ, और आप तमीज से बात कीजिए मुझसे, आवाज ऊंची करके बात मत कीजिए, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। तो मोहतरमा आप नहीं जानती हैं कि आप इस समय किस से बात कर रही हैं, मेरे ही पुलिस स्टेशन में आकर मुझे ही धमकी दे रही है, आपको मालूम है आपके साथ क्या हो सकता है? पुलिस स्टेशन को सब्जी मंडी बना के रख दिया है, कभी वो मोहतरमा चिल्ला रही है, कभी तू चिल्ला रहा है, कभी अंदर से ये चिल्ला रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर, कब तक चलता रहेगा तुम लोगों का चिल्लाना? अब अगर एक भी शब्द निकाला किसी ने भी ना तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरा डंडा बोलेगा। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे सर, मेरी माँ हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटलाइज्ड है सर, सर मेरा जाना जरूरी, आप समझिए ना, मैं जाऊंगा उनसे मिलूंगा वापस आ जाऊंगा, I promise। इंस्पेक्टर साहब अगर वो इतना बोल रहे हैं तो प्लीज उसे जाने दीजिए ना, वो वादे का बड़ा पक्का है, वो दी को देखकर वापस आ जाएगा, और अगर आप उसे नहीं जाने दे सकते तो आप प्लीज मुझे तो जाने दीजिए ना। सही, देखो या तो तुम झूठ बोल रही या फिर ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारा तो मान सकता हूं लेकिन इस पर मुझे पूरा यकीन है ये चोर है। चोर है सर, प्लीज मेरा भाई चोर नहीं है। आपको पता नहीं कि ये एक शरीफ और साफ दिल और एक नेक इंसान है, इसने आज तक कभी कोई गलत काम किया नहीं और ना ही करेगा, और चोरी तो दूर की बात है,
इसे तो फंसाया जा रहा है सर, इस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर, जैसे आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। लेकिन झूठा तो है, पहले ये मोहतरमा आती है, बोलती है ये इसकी माँ है, फिर अब ये बोल रहा है कि इसकी माँ अस्पताल में, चल क्या रहा है ये।